हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रेन की कंडीशनिंग क्या होती है, क्यों जो है कि एक तरह की आदत बन जाती है सोचने की, और जो है कि ब्रेन की कंडीशनिंग किस कैसे बनती है और किस तरह से ब्रेन की कंडीशनिंग को चेंज किया जाता है, अगर आप जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि आज जो मानसिक समस्या है, डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडी की बीमारी हो रही है, तो ये जो है कि ब्रेन के कंडीशनिंग की वजह से हुई है। कि आपका ब्रेन का कंडीशनिंग जो है, हम लोगों को क्या होता है, अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कंडीशनिंग क्या होते हैं। कंडीशनिंग का एक कहते हैं ट्रेनिंग भी। आपका ब्रेन का, आपका मन का ट्रेनिंग हो चुका है, मतलब कंडीशनिंग बन चुका हुआ है, एक तरह का सोचने का, एक तरह से डरने का, एक तरह से जो है कि एक्शन लेने का। वो जो है कि जैसे आपका एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। आप अपने बाइक सीखने के दौरान जो है कि ब्रेन की कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, मतलब ब्रेन की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही आप बाइक चलाते हैं, लोग आता है तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकर आता है ब्रेक लगाते हैं, ये क्या होता है, ब्रेन का कंडीशनिंग कर रहे होते हैं। एक बार जब सिखा देते हैं तो जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो तब फिर क्या होता है कि आपको जो है कि वो ऑटोमेटिक आपका दिमाग कंट्रोल करने लगता है। तो क्या कि एक बार कंडीशनिंग, जैसे ही आपको रोड खाली मिला, आप एक्सेलेरेटर दिए, आपको जो है कि ब्रेन का कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो करके कंडीशनिंग करते हैं। उसी तरह के से होता है, जैसे आपको कपड़ा पहनने की कंडीशनिंग होगी, खाना पीना की, आपका खाना खाने का एक तरह से कंडीशनिंग होगी, आपका जो है कि कौन सा दिन को जो है कि दिन को लेके कंडीशनिंग होगी, आपका ब्रेन में कंडीशनिंग बनी हुई है, वो भी आप एक्शन ले लेके कंडीशनिंग किए हुए। तो मतलब क्या है, कंडीशनिंग बनी हुई जिसके कारण से आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से आपको रिएक्ट कर रहा होता है। अब जानते हैं कंडीशनिंग जो है कि कैसे बनती है, कंडीशनिंग बनती कैसे है, आपको जो है कैसे बनती है, इसके बनने का मेन हाथ है प्रैक्टिस का। मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस का। आपका जो है कि ब्रेन का कंडीशनिंग बनता है कि आपको प्रैक्टिस क्या चीज का बार बार कर रहे हैं। अब चलिए देखिए यहां पर क्या होता है कि ओसीडी बीमारी में आपको जो मानसिक समस्या में क्या होता है, कोई डाउट आया, दिखाई पड़ रहा है ना, कोई डाउट आया आपको, डाउट के बाद जो है कि आपको जो है कि डर लगा, डर के बाद आप क्या करते हैं, रिएक्शन कुछ करते हैं। आपको डाउट आया कि कहीं गंदगी लगी हुई है, ठीक है, ये डाउट आया, इसके बाद जो है कि आपको डर लग रहा है कहीं गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, इसके वजह से आप क्या करते हैं, रिएक्शन, क्या कर, रिएक्शन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, बार बार चेकिंग कर रहे हैं, बार बार साफ सफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, डर के वजह से कर रहे हैं, इस डर के वजह से कर रहे हैं, कहीं गंदगी फैल जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, परिवार वाले का नुकसान हो जाएगा, किसी और लोगों का भी नुकसान हो जाएगा, हमारी वजह से, उसके वजह से हमारा नुकसान होगा, इस तरह का कंडीशनिंग के। ये जो है कि आप कितने बार किए हुए हैं गाइज, बताइए, बार बार प्रैक्टिस किए हुए। जब एक बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार पैटर्न बनता है, दूसरा बार प्रैक्टिस करते हैं दूसरा बार पैटर्न बनता है, तीसरा बार करते हैं तीसरा बार पैटर्न करता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि आपका कंडीशनिंग बन जाता है। किसको रिलेटेड, अभी क्या हुआ, ये डाउट के साथ डर जुड़ के आप जो वो जो एक्शन ले रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या कहता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, सही और गलत में नहीं पता है हमें सही क्या है गलत क्या है, बशर्ते हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ को एक्शन क्या ले रहे हैं, आप बार बार अंदर अंदर किसके बारे में सोच रहे हैं, और जो है कि आप किस चीज़ पर कैसा एक्शन ले रहे हैं, रिएक्शन को कह दीजिए बिहेवियर भी, आपका बिहेवियर, आपका जो है कि एक्शन, रिएक्शन को भी एक्शन, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इसके बाद जो है कि विचार आया, विचार के बाद जो है आपको डर दिखा, इसके बाद क्या एक्शन ले रहे हैं, इस पे जो है कि आप डर करके एक्शन ले रहे हैं, तो आपका ब्रेन का जो है कंडीशनिंग बन गया। रिलीजियस ओसीडी में आज जो है भगवान को लेकर कोई डाउट आता है, मन्नत का विचार, गलत विचार भगवान को लेकर के, आप डरते हैं भगवान से, ज्यादा देंगे नुकसान कर देंगे, नहीं चढ़ाएंगे, तो इसके वजह से क्या होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है, भगवान से डरने लगते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, आप माफ़ी मांगने लगते हैं, मंदिर देखते हैं घबराहट होने लगता है, ये सब जो है कि क्या हुआ, आपने जो है कि कंडीशनिंग बनाया, ठीक है, भगवान आपको सजा देने के लिए, बस ये ब्रेन
ब्रेन में विचार आने की वजह से आप क्या किए, जिस तरह का एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेने के बार बार एक्शन, एक बार एक्शन लेने से नहीं, एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं, बार बार जो है कि प्रैक्टिस कर दिए हुए, जिसके ब्रेन से, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपका ब्रेन में जो है कि कंडीशनिंग बन गया हुआ, ब्रेन की ट्रेनिंग हो चुकी हुई गाइस, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आज आपका ये विचार जो है कि जैसे ही आते हैं आपको सच लगने लगते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही भगवान को लेके कुछ आ गया, अपने आप ब्रेन में एडवांस में आपको ठाउट दिमाग भेजने लगता है कि ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, इस तरह का विचार आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, इस तरह भगवान लेकर डर आ जाएगा, कोई भी चीज़ का डर बन गया, तो इस तरह से कंडीशनिंग बनती है। और जिसके कारण से क्या होता है कि आपको अभी जो है कि एक तरह की सोचने की आदत पड़ गई है, बार बार हर समय ओवर थिंकिंग में ही रहते हैं, हर समय तो ओवर थिंकिंग में रहने लगते हैं, इसकी भी कंडीशनिंग बन चुकी हुई है गाइज, जिसके कारण से आप परेशान रहते हैं गाइज। अब चाहते हैं कि अपने लाइफ में अगर शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग को, इसको जो है कंडीशनिंग को चेंज करना, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अब जो है कि ये कंडीशनिंग बन गई है तो समझ गए, अब इस कंडीशनिंग को चेंज करना चाहते हैं, इस कंडीशनिंग को चाहते हैं, इस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए, तो तोड़ा कैसे जाएगा, तोड़ने का भी तरीका यही है, प्रैक्टिस ही है तोड़ने का। ये जो पैटर्न बन गया है, निगेटिव पैटर्न बन गया है, इस पैटर्न को भी प्रैक्टिस से ही तोड़ा जाएगा। क्या प्रैक्टिस करना है, डाउट अभी भी आएंगे, डर अभी भी आएंगे, ये दोनों चीज़ आपको ऑटोमेटिक आएंगे, ये दोनों चीज़ आपको कह के नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे, ये दोनों चीज़ आएंगे, बशर्ते आपको क्या करना है, इस वाला पार्ट को चेंज करना है, इस वाला पार्ट को चेंज करना है गाइस। किसको चेंज करना है, एक्शन को, बिहेवियर को और रिएक्शन को अपने लाइफ में चेंज करना है। किस तरह कैसे चेंज करेंगे जिससे कि आपका बेनिफिट हो, तो यहाँ पर क्या करना है, जो आप जो डर रहे थे तो आपको क्या करना है कि एक्शन में बदलाव लाना है, कहना है कि हमें ये बीमारी हुई है, मानसिक समस्या हुई है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमें जो है कि हम ये एक्शन कर रहे हैं, तो अपने मन में जो है गलत धारणा बन गया जिसके कारण से क्या हो रहा है, हमें डर लग रहा है, हमें जो है कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, तो ये एक्शन को स्टॉप करना होगा, ये एक्शन जो बिहेवियर आप जो ले रहे थे उसको स्टॉप करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जा करके आपको टालने की आदत, यहाँ पर जो है कि टालने की आदत डालना है शुरुआत में। अब क्या कैसे टालेंगे, जैसे ही आपको डर आया कि गंदगी फैल जाएगी, नुकसान होगा, आप टाल दीजिए कि आपको समझ लिया ये ओसीडी बीमारी कारण से आ रहा है, इसको टाल दीजिए, ठीक है बाद में करेंगे, कल देखेंगे गंदगी फैलती है तो क्या होता है, ये चीज़ अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाएंगे, तब आपके ब्रेन के अंदर ये कंडीशनिंग चेंज होगी, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब आप अपने मन को तैयार कर लीजिए कि जब आप इसको नहीं करेंगे तो आपको तगड़ी वाली घबराहट होने वाली है, आपको घबराहट सहन करने के लिए सीखना होगा, आपको घबराहट सहन करना होगा, क्योंकि ये गलत डर को आप क्या कर रहे हैं, झूठा डर जो आपको सच लग रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो सच लग रहा है, जिसके कारण से आप उसी को जो है सच मानने लगते हैं, तो आपको क्या करना, मन को तैयार करना होगा कि जब हम इस चीज़ कंडीशनिंग को चेंज करेंगे तो हमें जो है कि घबराहट होगी, उस घबराहट को सहन करना पड़ेगा, वो झूठा घबराहट है, झूठा डर है, झूठा जो है निगेटिव फीलिंग है, जो है कि हमें वो सच लग रही है, क्योंकि हमारे मेन के अंदर कंडीशनिंग जो है बन गई हुई है, प्रैक्टिस कर करके जाने अनजाने में गलत तरह से प्रैक्टिस कर लिए हो हम, ये चीज़ जो है कि अपने मन माइंडसेट तैयार रखना है, तब क्या होगा, जब इसको डालेंगे बोलेंगे बाद में देखेंगे नहीं करेंगे ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका मन ही, यही मन आपका जो कंडीशनिंग हुआ वो साथ देगा, अरे वो देखेगा कुछ होता ही नहीं है, ये एक्शन नहीं ले रहा, आप जो विचार दे रहे हैं उसके साथ दोस्ती कर लीजिए। अब क्या होगा, यहाँ जो डर लग रहा है इस डर के साथ आपको दोस्ती कर लेना है, जो बोला विचार देगा कि भगवान नुकसान, बोलिए ठीक है भगवान नुकसान कर देंगे, ठीक है कल देखते हैं क्या होता है, कल देखते हैं क्या होता है, फिर क्या होगा, कंडीशनिंग आपका ब्रेन का, ये कंडीशनिंग टूटने लगेगा, जो है ना ये कंडीशनिंग जो बना हुआ है ये टूटने लगेगा, आपके अंदर से आपका बिहेवियर बदल जाएगा, मंदिर बचने को, आप जो मंदिर के बारे में क्या करते बसते थे, आप जा रहे हैं वहाँ पर, जा रहे हैं प्रणाम करके बस आ जा रहे हैं, बस अगते कुछ जो डर दिखा रहा बोलिए ठीक है हो जाए तो हो जाए, फिर जो है उसको बस माइंड सेट बनाना है, डर घबराहट देगा उसको सहन करना है, मन विचारे आएंगे उसको सहन करना है, उसको टालते रहना है, तब फिर क्या हो, कंडीशनिंग धीरे धीरे चेंज, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार कंडीशनिंग को चेंज करने के लिए प्रैक्टिस करते रहना है सही डायरेक्शन में, तब जल्दी से बाहर निकलने लगेंगे। तो इसी तरह कैसे कंडीशनिंग चेंज होता है,
जो भी डर लग रहा है, जिस तरह का भी घबराहट आ रहा है, बशर्ते अपने एक्शन को बदल करके अपने डर के साथ दोस्ती कर लीजिए। देखिए गाइस, बदलना चालू हो जाएगा कंडीशनिंग, तब आपको क्या होगा, जहाँ डर लग रहा है आपका ब्रेन उसके साथ बोलेगा अरे ये कुछ होता ही नहीं है, तब फिर आपका ब्रेन का कंडीशनिंग चेंज होने लगेगा, आप जल्दी इस समस्या से बाहर निकलने लगेगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर। अगर अपने से नहीं निकल पाते तो दिए गए नंबर है ना गाइस, इस पर बात कीजिए। अगर जो है कि काउंसलिंग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेकर के सही डायरेक्शन में कंडीशनिंग को चेंज कीजिए और इस समस्या से बाहर निकलिए गाइस। थैंक यू गाइस, विश यू वेल, बी हैप्पी।